तो आप देख सकते हैं कल जो रोड पे पानी भर गया था, अब वो पानी वहाँ से कम हो गया है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ जाती हुई दिख रही हैं, यहाँ पर कल पानी भरा हुआ था। तो ये जो पूरी रास्ता है, यहाँ पर कल इस समय पानी भरा हुआ था और आज जो है पानी कम हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो रास्ता था यहाँ पे, सब पानी कल भरा हुआ था, आज कम हो गया है। और इधर आसपास के घरों में भी अब धीमे धीमे पानी कम हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कल इस जगह पानी भरा हुआ था, आप पुराने वीडियोस के लिए देख सकते हैं। और ये भी कल ये पूरी जगह भरी हुई थी, ये पूरा घर डूब गया था, अब यहाँ भी पानी कम होने लगा है। तो काफ़ी पानी आज कम हो गया, अब धीमे धीमे कम हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 दिनों में या एक सप्ताह के अंदर ये पूरा पानी कम हो जाएगा। आगे भी हम चलते हैं देखने कि कल यहाँ पर बच्चे नहा रहे थे, पूरी में भी दिखाते हैं। तो ये कल पूरा जो एरिया है वो तालाब जैसा दिखाई दे रहा था। ये पूरा एरिया तालाब जैसा था और अब धीमे धीमे ये पानी कम होने लगा। कल हमने इस बच्चे से बात भी की थी, ये देखिए क्या हालत हुई है। ये झोपड़ी थी वो टूट चुकी थी और यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, देखिए अभी भी। हालांकि कल की अपेक्षा काफ़ी कम हो गए। इस भाई से कल मैंने बात की थी, आपसे बात की थी कल हमने, याद है? अच्छा, आज कब से पानी कम हुआ? ये सुबह से। आज सुबह से धीमे धीमे कम हो रहा है। अच्छा, भैया कहाँ गए? वो जो कल नहा रहे थे छोटे छोटे, कहाँ? अच्छा, मामा के घर पे हैं। अच्छा, मम्मी वगैरह होंगे। तो देखिए कि अपने पीछे ये पानी अब क्या निशान छोड़ के जाएगा। एक तबाही जैसा मंजर, झोपड़ियाँ गिर चुकी हैं, कुछ घर डूब चुके हैं, खेतों की फसल खराब हो चुकी है। ये कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए पानी आया और सब कुछ तबाह सा करता हुआ जा रहा है। पूरी फसल की फसल नष्ट हो गई, कई सारी जो खेत में लोगों की फसलें थी, चारा था, सब कुछ खराब हो चुका है। और झोपड़ी जैसे ये बनी हुई थी, अब इन्हें पूरा दोबारा मेहनत करके फिर से बनानी पड़ेगी। ये 1978 के बाद पहली बार ऐसी बाढ़ आई थी जो अपने ये निशान छोड़ के जा रही है। लोगों ने छतों पर अपना आवास बना लिया था। इस आसपास के घर जितने भी हैं, जो नीचे रहते थे, वो अपने छतों पर रहने के लिए आ गए थे। देख सकते हैं इन घरों में क्या हालत हुई होगी। ये सारी जगह कल भरी हुई थी तो लोग ऊपर की तरफ रहने, अपना सारा सामान खाली करके ऊपर की तरफ रहने आ गए। ये झोपड़ी में तो पूरा कल पानी भरा हुआ था इसकी तरफ। यहाँ पर एक नर्सरी भी थी, आपको दिखाएंगे, जो दीक्षित नर्सरी करके थी वो यहाँ पर है। दीक्षित जी की नर्सरी है ये, और यहाँ भी पानी भर चुका है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे वो सब वो एक तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आज हम तीसरी बार इस घर के पास आए हैं, अब पानी कम हो गया है काफी। लेकिन पहले दिन जितना पानी था, हम जब आए थे जब भरना शुरू हुआ था, उतना अभी भी कम नहीं हुआ है। अब धीमे धीमे ये पानी कम होना शुरू हो रहा है और शायद 1-2 दिन में जब कम हो जाए तो लोग फिर से बसने का प्रयास करें। लेकिन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब मिट्टी वगैरह सब देख सकते हैं कि कितनी गंदगी छोड़ के गया है पानी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय लेंगी सही होने में, पुरानी व्यवस्था बनाने में समय लेंगी। कमरे के अंदर, घर के अंदर, सब जगह, फसल के खेत ये सब जगह पानी भर चुका था। अब दोबारा से ये क्या हालत होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कल हम इस मकान में भी आए थे, और यहाँ भी पानी भरा हुआ था। ये देखिए काली वाहन के सामने, ये देखिए ये भी पानी अब कम होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल खाली रहता था, वहाँ अंदर तक लोग रहते थे। ये सब में पानी भरा हुआ देखो, अब अम्मा दिखाने जा रही हैं कि किस तरीके से पूरा जो घर है
उसमें पानी भर चुका था। मेरा मतलब ये है लेने का, हाँ। अभी जो आई थी एकपाल, हाँ। तंचा, अच्छा, वे जो है हमने उनसे बोला, हाँ। कि यहाँ से निकल के देख लो इधर से, हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं देखा, हाँ। ये कह रही थी ये रोड है क्या, अच्छा। मैंने उनको भी बोला ये, हाँ। कि नाम इन डामन रोड डलवाऊंगा आपको क्या, अच्छा। इधर को आप देखो, इधर मकान है उसमें पानी भरा हुआ है, हाँ। तो वो ये चेटने लगे उनके साथ में थे, हाँ। तो देखिए ये घर है और ये छत पे हम लोग ना इस समय, इधर छत है ये, हाँ। ये कितना, हम लोग घर में जा रहे हैं जो बहुत पुराना घर बना हुआ है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, इतना पानी था यहाँ तक, ये इसकी छत इधर, ये निशान लगा हुआ है, हाँ। तो इसमें तो सारा अपने सामान निकाल पाया, सामान निकाल पाया बहुत, मतलब भीग गया सारा सामान, अच्छा, सारा सामान भीग गया, जब निकाल पाया एकदम आया, कुछ लोगों ने यहाँ पानी हम रोक रखे थे, उन्होंने काटा है, यानी पौरे से काटा है, और उनके नाम भी बता सकता हूँ मैं, अच्छा, हाँ, एक संत नहीं, तो पौरे से काटा है, तो मतलब ये लोग मतलब काट रहे थे, हम बंद कर रहे थे, हाँ। ये लोग नहीं माने, मैंने तो मतलब रोक नहीं, लेकिन पानी तो वो आ ही जाता, फिर भी पानी तो आ ही जाता, वो तो खैर आ ही जाता, जब तक मेरी कोशिश थी, अच्छा, मैं रोक रहा था, आप जब तक, लेकिन उन्होंने पौरे से जबरदस्ती उन्होंने काटा है, अच्छा अच्छा, चलो ले, इसलिए हमारा जो है मकान पूरा भीग गया है, अभी अभी आज में कम हो गया ना, ये आज कम हो गया है, अब धीमे धीमे उम्मीद है कम हो जाएगा पूरा, लेकिन आंचा जो है ना, हाँ। लेखपाल जी, हाँ। वो गलत शब्द बोल के गई है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, एक ही जगह बैठी रही है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, चलो ठीक है, जो अपनी शिकायत कर रही है वो ये कह रही थी, मैं तुमसे जेल करा दूंगा, बंद करा दूंगा, ये देखिए सारा सामान आप देख सकते हैं, किचन, बेडरूम, सबका सामान यहाँ पर लोगों ने ऊपर रख रखा है, हाँ। ये देखिए पूरा घर, देखिए ये क्या चीज़ थी अम्मा, ये चीज़ क्या रखी थी, ये अलमारी थी, अच्छा, ये देखिए इस घर के लोग तो सामान शायद निकाल ही नहीं पाए, नहीं निकल पाया, कितनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई है घर, इसमें हमारी माता जी रहती है इस मड़िया में, अच्छा। इनका भी सामान सारा रह गया, अच्छा, ये हम लोग तीन लोगों का मकान है, अच्छा 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 अच्छा, उन्होंने तो आगे देखा भी नहीं है, सिर्फ रोड पे ही स्कूटी पे खड़ी रही है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, देखिए प्रशासन की शिकायत कर रहे हैं वो कि किस तरीके से उनकी बात नहीं सुनी गई, आप देखिए ये एरिया देखिए, अभी हम लोग इसी से नाव से वहां तक घूम के आए हैं, पूरा एरिया तो ये इस तरीके की बाढ़ तो आपने पहली बार देखी होगी आपने भी, अभी ये भी है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस कैसे हो गया, कोई सुविधा, कोई पूछने, हाँ। भी तक नहीं आया यहाँ से, तो अपने हमारे ढाबा से, हाँ। कोई भी पूछने नहीं आया कैसे रह रहे हो क्या कर रहे हो, कोई भी नहीं आया, अच्छा, लेखपाल आई हमारे उस तरफ बैठे नहीं है उस दुकान के पास, अच्छा, फिर भी गलत शब्द बोल रहे हैं उनके साथ में, इसमें भी सामान नहीं निकल पाया, ये तो घर पे थे ही नहीं, ये देखिए जो लोग अपना घर ताला वाला लगा के कहीं गए हुए थे तो उनका तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, ये सब पूरा छोटे छोटे बच्चे हैं, समय परेशान, भगवान की मूर्ति बने, देखिए कैसे पूरा पानी भर चुका है सारा घर, बता कोहरा, अच्छा, तो यहाँ पे लागे अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, हम दवाई ले गए, अच्छा, आवास घर डूब गया पूरा आपका, अब पूरा घर डूब गया, गांव भी डूब गया, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से बड़ा जैतपुर के नीचे खेरा थान है ऊपर, तू अच्छा जैतपुर तो आगरा जिले में पड़ता है, जमुना जमुना।